आईचा नाही रे डर था कि आफताब और श्रद्धा का केस उनका ना बन जाए, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। तो खुद एक तरफ साबित करता है कि ही इज फीयरिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम एंड नाउ ही इज सेइंग कि ही इज फीयरिंग अबाउट हिज लाइफ, सो दैट इज वेरी शॉकिंग टू अस। अभी तक अभियोजन पक्ष के वकील को अरे सर 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 इधर तिवारी जी, एक तो बाल काटने के लिए ना काटे हैं उसके लिए हमने दूसरा मीडिया ने इसको ट्रायल मीडिया के रोकने के लिए लगाई है, तीसरा उन्होंने और जो बातें कही जा रही है कि बाल ना काटे जाए, यार ये हाथ के बीच में डाल रहे हैं तू, इन एप्लीकेशंस पे कोर्ट का क्या रुख रहा है, किस चीज का डर है? जेल में लेकिन 7 दिन में फिर अभी अर्जुन चल रहा है, करना है, करना है। पेंडिंग है, पेंडिंग का पासवर्ड नहीं है यार, ऊपर रखना है, वो बोल रहा है कि उसको याद नहीं आ रहा है जी। तो आप कैसे हो सकता है कि 7 दिन में आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भी याद है? फोन भी बार बार पलट रहे अपने बयानों से। कौन सी सवाल ये है कि आपको कह रहे हैं कि उनको सिखाया जाता है जब पहनाया जा रहा था, तो बहुत क्या मेंटली इतना प्रिपेयर है कि पुलिस को अपना पासवर्ड तक नहीं बता रहे? हर एंगल से इसकी जाँच हो और सच जो है उसको बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इतना जानता हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो कभी छुपता नहीं रहा। क्या जिम्मेदारी में बहुत सारे राज छुपे हैं, उसके जिम्मेदारी में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, आपको लगता है ऐसा? मेल पे हो सकता है, फोटोग्राफ या कुछ भी हो सकता है, जीमेल पे हम लोग बहुत सारी चीजें सेव करते हैं जो, और बहुत सारी अलग अलग अकाउंट्स की चैटिंग होती है, अगर वो और अलग अलग ऐप पे था और यू नो डेटिंग ऐप वो सब जीमेल से कनेक्टेड होते हैं, तो शायद इसीलिए वो जीमेल नहीं बताना चाहता। पासवर्ड नहीं बता रहा है, इसके पीछे कोई वजह है? जहाँ ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए? पॉसिबल नहीं है, अगर नहीं पॉसिबल भूल भी जाता है तो 7 दिन में याद आना चाहिए ना। अब उनकी फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कुछ दिनों में, आज या कल में करेगी, और कहा जा रहा है कि जो जो आरोप लगाए गए शिजान के ऊपर उन सबका जवाब देगी फैमिली। जो सबसे बड़ा आरोप लगा तुनिशा ने सुसाइड किया बूम 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 या उसका मर्डर हुआ या इसमें कोई और भी एंगल है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी का खून होता है या किसी की जान जाती है तो वो गुनाह कभी छुपता नहीं है, तो जरूर बहुत जल्दी सामने आएगा। देखिए जेसी हो गया है, मैं आपसे बाद में करूंगा कुछ बात, मुझे कुछ एप्लीकेशन फाइल करने उसके लिए मुझे प्लीज टाइम दीजिए सर। कुछ आप बता सकते सर? पुलिस ने कोई आधार नहीं रखा था, दादा ऑलरेडी सब कुछ इन्वेस्टिगेशन ओवर है, कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में है, कोर्ट ने वो चीज खारिज करते हुए जेसी ग्रांट किया। कितने दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी पुलिस ने? ये उसमें लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि पुलिस कस्टडी चाहिए। बेल कब लगाएंगे आप लोग? बेल अभी कुछ हमें एप्लीकेशन फाइल करने हैं कोर्ट में, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग आपसे मुखातिब होंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। उन्होंने कहा कि इनके आईडी का पासवर्ड नहीं था जो कि पुलिस ऑलरेडी जो है रिट्रीव कर सकती है, रिकवर कर सकती है, इसलिए आप जेसी हो गया है, बस इतना आप न्यूज चलाइए, बाकी हम आपको बाद में। आज हिजाब का मुद्दा बेल के लिए कब मूव करेंगे सर? बेल के लिए कब? हिजाब वगैरह सब बेबुनियाद है, पहले ही आपको कह दिया। थप्पड़ का आरोप भी लगाया था सर, थप्पड़ का आरोप लगाया था सर, आरोप लगा था, आप लोग खुद ही बोल रहे आरोप लगा था, इसलिए नहीं ये सब गलत है। प्लीज सर बेल के लिए कब मूव करें? आप बेल के लिए टाइम है, हम डिसाइड करेंगे फिर मूव करें। ठीक है, सामने की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सर, वो ऑलरेडी है, आप उनसे बात कर लो। मैं रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।